क्रूड ऑयल जो है वो दोस्तों नहीं ले रहा रुकने का नाम, और ये तेजी जो है वो बार बार हो रही है, नीचे जा रहा है फिर वापस हो रहा है, नीचे आ रहा है फिर वापस हो रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं एक बार काफी बड़ी गिरावट हुई, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो अभी जो है वो हालात आपको याद होगा दोस्तों, आज से 1.5-2 महीने पहले भी बताया था कि आप जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर सतर्क रहें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। और अगर आप काम करते हो तो कंपलसरी जो है वो अपनी पोजिशन को हेज जरूर कर ले, ऐसी हमने जो है वो बात की थी। तो अब आगे क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला सपोर्ट रहेगा दोस्तों 8450 का लेवल। अगर हम ये वाला एरिया जो है वो काटते हैं, उसके नीचे जाके सस्टेन करते हैं, तो फिर यहाँ से ये जो गिरावट है वो और बढ़ सकती है और हमें जो है वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8337, 8337 का जो लेवल है वो अगर हम ब्रेक करते हैं तो 8265 का जो एरिया है वो दिखाई दे सकता है। उसके नीचे जो है वो 8150, 8150 के नीचे जो है वो दोस्तों हमें 8040 का जो लेवल है उसके आसपास हम जा सकते हैं, और जो है वो 7980, 8000 का जो लेवल है काफी बड़ा सपोर्ट है। अगर वो काटता है तो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है 8450 के ऊपर, 8450 का जो लेवल है वो काटता है तो थोड़ी सी हमें जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, अगर हम बाई की साइड बैठे हैं तो की बात चल रही है। अब ऊपर में लेवल क्या ध्यान में रखे दोस्तों, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर का जो दोस्तों पहला लेवल जो है वो निकल के आता है वो है 8665 के आसपास, ठीक है, 8665 के आसपास जो है वो पहला लेवल है, पहला रेजिस्टेंस है। अगर हम ये वाला एरिया जो है वो काट पाते ऊपर की तरफ, तो ये जो तेजी हुई है वो तेजी बरकरार रहेगी और हमें जो है वो 8780 का जो लेवल है वो दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर जो है वो 8858 का जो लेवल है वो दिखाई दे सकता है, फिर ये धमाका कर सकता है 9018, 9200, 9400 और जो है वो 9700 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ये 8665 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, रुकता है, क्लोजिंग करता है, तो अगर शॉर्ट साइड है तो थोड़ा सा बचे, बाय साइड है तो ठीक है, तो मेंटेन कीजिए अपना एसएल। और दोनों ही साइड अगर आप फ्रेश पोजीशन करना चाहते हो तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप जो है वो अपनी पोजीशन को हेज जरूर कर ले। तो और ऐसे ही मैजिकल लेवल जो है वो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो, निकालना चाहते हो, मार्केट जो है वो कैसे काम करता है, कैसे व्यू हम उसका बना सकते हैं कि ये होगा ऐसे करना चाहिए, ये सब चीजें अगर आपको सीखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी ऐसे सपोर्ट टारगेट जो है वो दोस्तों सीख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।